अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मेरा नाम सैयद अनवर अली है, मेरे वालिद साहब का नाम सैयद खादर अली है, जो 96 में ये झंडे की ज़मीन जो है ना छोड़े सो है, और 318 सात एकड़ ज़मीन जो है ना हमारे वालिद साहब अग्रीमेंट होल्डर थे, बेचे सो है, उन्हीं के नाम पे ये ज़मीन थी पूरी, और ये बस्ती के भलाई के लिए ये ज़मीन छोड़े सो है। 200 का ज़मीन है, सलेमान नगर और चिंतलमेट एरिया में है, ये सलेमान नगर सी वादी महमूद में आता, वादी सलेमान नगर, वादी सलेमान नगर का सी में है ये घर मेरा, और ये घर मेरा ही है, और मेरे दो चार घर और है यहाँ पे, मेरे भाइयों के घर हैं, मेरे वालिद साहब खुद ये जब से ज़मीन बेचना शुरू हुआ, जब से बेचे से हुए ना, प्लाटिंग करे से, बाद में आए से नहीं है, शुरू से जंगल जब था जब छोड़े से ये। और कुछ लोग जो है ना इससे पहले भी आए थे, आज से 10-15 साल पहले भी थोड़ा आए थे कब्ज़ा करने के आसे, फिर उनको भगा दिया, फिर अभी कुछ नए लोग पैदा हो गए, वो लोग आ रहे हमारी ज़मीन थी, ये ज़मीन थी बोल रहे, जबकि हम खुद गवाह है, ये ज़मीन जब खाली थी, जंगल था, जब से यहीं से हम किसी को नहीं बेचे ज़मीन में, जब से झंडे के लिए छोड़े, बस्ती के भलाई के लिए या काम आना बोल के छोड़े से, मीटिंग हॉल बनाओ या कुछ भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल कुछ तो भी बस्ती के लिए काम में आना, और साल को साल यहाँ पे 11वीं होती, 1000 आदमी खाना खाते साल को साल, और पूरी बस्ती से चंदा भी आता। ये ज़मीन छिल्ले के लिए खादर भाई खादर साहब छोड़े सो है, 200 गज़ ज़मीन है, 94 में उन्होंने छोड़े सो है, 94 में ये छिल्ला बनाए हम, 94 से हर साल 11वीं कर रहे, हर साल पूरा महल्ले वाले मिलके 11वीं करते, पूरे महल्ले वाले इसकी निगरानी कर रहे, अब चंद लैंडग्राफर्स आ गए, ये ज़मीन हमारी है, हमारी बहन बेवा की है, अभी बेवा बनी उन्हें ये ज़मीन के वास्ते, इससे पहले बेवा नहीं थी उन्हें, अभी बेवा बनी ज़मीन के वास्ते, ये विखार पाशावल के एक का नाम विखार है, एक का नाम फेरोज़ है, और एक का नाम नवाज़ है, ओनर नवाज, नवाज़ को ओनर बनाए, पहले लेडीज़ के नाम पे ओनर है बोले, लेडीज़ ओनर है बोले, अब जो है नवाज़ ओनर बन के आ रहा अभी, ये हर वक्त जो है ज़मीन कब्ज़ा करने के वास्ते लोग आ रहे हैं, फिर ये लोग कहाँ रहते थे, पीछे पहाड़ी पे रहते, अच्छे पहाड़ी पे रहते, ये वाई ये सुलेमान नगर सी है, ये कंप्लेंट दिए हम लोग 9 नंबर PS में, 16 अगस्त को कंप्लेंट दिए सोए, और लोग 16 अगस्त के दिन आए थे यहाँ पर काम कराने के वास्ते, ज़मीन कब्ज़ा करने के वास्ते, और हथियारों के साथ आए थे, ऐसा नहीं कि खाली हाथ आए थे, बाकायदा पहलवानों के साथ 25-30 बाउंसरा थे, 25-30, और वो लोग थे 4 जने, और उन चारों के नाम पे कंप्लेंट दी हम लोग 9 नंबर PS में, कंप्लेंट दिया क्या रिस्पांस मिला, अभी कंप्लेंट देने के बाद हम लोग वहाँ पर नहीं गए थे, फिर से उन्होंने जाके हमारे कंप्लेंट के ऊपर कंप्लेंट दिए कि हमारे घर पे आके डरा रहे हैं बोल के, लोग जो है 4 जनों को कोर्ट से सम्मन भेजा है, 4 जनों के नाम पर कंप्लेंट दिए वो लोग, हालांकि ये लोग 4 जने कोई उसके घर पर नहीं गए, कुछ भी नहीं गए, फिर जाके कंप्लेंट दिया उन्होंने, ये 200 गज़ ज़मीन है, ये 200 गज़ ज़मीन है, और छिल्ले की है, और छिल्ले की रहेंगे इंशाल्लाह। मैं जो है छिल्ले को 28 साल से 11वीं करते हुए आता हूँ, और हर बस्ती वालों से चंदा वसूल करके करता हूँ मैं, आज से नहीं कोई ज़माने से 28 साल से करते हुए आता हूँ, अभी 11वीं आए तो 28 साल होता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है, मेरे बाप का नाम मोहम्मद हुसैन, वादे सुलेमान नगर सी। ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम ये हो रहा साहब के, उन्हें आराम मिली है, इन्हें आराम मिली है, ऐसे कई आते गए जाते गए, ये फर्स्ट टाइम जो कोर्ट में आया सो ये, अच्छा कोर्ट में आने के बाद जो हम कोर्ट को गए तो जो बंदा डाला ना, जो हमको जो FIR भेजाया ना भाई, उन्हें कोर्ट को तो आना ना, उन्हें जब नहीं आया, आज PS का कंप्लेंट आया तो PS को आना ना, PS को भी नहीं आना, ज़मीन मेरी नहीं है, बस्ती वालों की है, इनके वालिद साहब से छुड़ाया था मैं वो ज़माने में, कालू घरा बन जाते सुबह जाते हैं, बाद में जो है सो बस्ती वालों को कुछ कामा काजा करने को प्रॉब्लम होता तो ठीक है बेटा ये छोड़ देंगे अपन, कितने साल से है ये जो है 28 साल हो रहा, ये इनके वालिद साहब पट्टेदार से इनके वालिद साहब बोल के रिक्वेस्ट करके छुड़ाए, खादर साहब पट्टेदार थे,
और जो जो हुसैनी पीर के वालिद साहब से छुड़ाए सो उन्होंने बस वालों को रहता बढ़ के रहमतुल्लाह बरकातु। ये वादी सुलेमान नगर 318 सरे नंबर, या 10 से 15 घर थे जब से मैं यहाँ पे हूँ, और जो है सो 99 से सदर भी हूँ मैं यहाँ का। यहाँ जो है छिल्ले के लिए खादर साहब बल्कि ज़मीन बेचे यहाँ 318 में, उन लोग को ज़मीन 200 का ज़मीन बस्ती वालों के वैसे छिल्ला छिल्ले के लिए छोड़ दिए, छिल्ले के लिए ज़मीन 200 का छोड़ दिए। उसमें कमेटी हाल बनेंगे, बस्ती वालों को कुछ भी एक फ़ायदा होता, स्कूल बनेंगे कुछ भी एक बनेंगे, बल्कि बस्ती वाले रखवाली कर रहे हैं शरीफ भाई सदर इनके, खादर साहब बोल के तो है। आज यहाँ ज़मीन खुली है बोल के चंद लैंड गिरा पर आके, कई लोग इससे पहले भी है अभी भी लैंड गिरा पर आके ये 150 गज़ ज़मीन मेरी बोल के बोले, 150 गज़ के पेपर आए वो है बोल के बोले, आज तक दिखे नहीं, अचानक आके मेरी ज़मीन बोल के बोल रहे ये लोग। लिहाजा ये ज़मीन जो है मीडिया वाले के तौरों मैं बोलना चाह रहा हूँ मेहरबानी करके, ये ज़मीन जो है छिल्ले की रहेंगी पूरे बस्ती वालों के लिए, कमेटी आल या कुछ भी गरीब लोगों के लिए बनाना चाह रहे। कब्जा करने वाले कौन है नामा नहीं मालूम मेरे को, हाँ कम्प्लेन दिए ना हम लोग 30-40 जने कम्प्लेन दिए जाके। अनवर बोल के है, अनवर क्या नाम, नवाज, नवाज बोल के है उन्हीं आ रहा, नवाज बोल के है उन्हीं आ रहा, कोर्ट से समन भी भेजा हमारे को। डुप्लीकेट पेपर बना के ला रहे नवाज बोल के है उन्हीं आ रहा, कोर्ट से समन भी भेजा हमारे को। डुप्लीकेट पेपर बना के ला रहे नवाब भाई करते करते